10 जून को थाना भाट पचलाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें एक राजनीतिक प्रस्तुम के व्यक्तियों घूमने की सूचना थी और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल ही एसडीओपी खाचरौत और केएम भाट पचलाना को निर्देश दिए गए कि उन्होंने लगभग 2:30 बजे उस दिन उनका मृत शरीर मिला था और प्रथम दृष्टया ही हत्या की आशंका थी। उसको देखते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया और के नेतृत्व में एसडीओपी खाचरौत और पीआई घाट पचलाना इनके नेतृत्व में दल गठित की है जिनने सभी पहलुओं पर जांच की। विदिशा में रिटायर्ड फौजी सुनील पिलियार से पुलिस आरक्षक द्वारा बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के निशान रिटायर्ड फौजी सुनील पिलिया के शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर रिटायर्ड फौजी संघ के माध्यम से एक ज्ञापन एएसपी संजय साहू को सौंपा गया, जिसमें पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एएसपी संजय साहू ने मामला सीएसपी को सौंप दिया है। सर, इसमें रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले में मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे साथ मारपीट की और मारपीट कुछ ज़्यादा हुई थी। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, भाई मेरा मेडिकल कराओ। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने अल्कोहल दारू पी रखी है। तो मैंने इनसे ये मांगी, भाई आप लोग मेरा मेडिकल कराइए, अगर मैंने दारू पी रखी होगी तो मेडिकल में सब आ जाएगा। कुछ एक्स आर्मी में एक ज्ञापन लेकर के आए थे और उनका ये आरोप है कि उनके एक साथी के साथ में कुतवाली थाने के पास में कुछ कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुंडा टैक्स ना देने पर अपराधी ने राहगीर की मोटरसाइकिल पर हमला करते हुए आग के हवाले कर दिया। दरअसल नया मोहल्ला चौराहे पर शाम को दूध लेने जा रहे नाइम असारी का चाय की दुकान पर रोककर गुंडा टैक्स की मांग किया गया। साथ ही साथ नाइम ने गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी विठल कानिया ने नाइम की मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। 10:30 बजे करीब हमारे घर पे आया और हम घर पे थे नहीं, हमारे तीन बच्चे थे, तो धमकी देके कह रहा था अपनी रिपोर्ट कटाओ नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, जाने नहीं देंगे छतरपुर में। और बच्चे वहाँ डरा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के 370 आर्टिकल वाले बयान से खलबली मच गई है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो के जरिए आर्टिकल 370 के बारे में बोलते हुए कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास ने कहा कि इस तरह का बयान देकर प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास ने कहा, मैं दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूँ कि कश्मीर भारत का था और भारत का ही रहेगा। विदिशा के पुराने अस्पताल परिसर में शनिवार को आशा उषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर यह कार्यकर्ता पिछले 12 दिन से लगातार आंदोलन कर रही है। शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला गैस टंकी को हटाकर देसी चूल्हे पर भोजन पकाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा वेतन बहुत कम है, ऐसे में इतनी महंगी गैस टंकी खरीदना मुश्किल हो रहा है। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर ड्रीम लैंड सिटी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पुलिस से टकरा गई, जिसके
मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार दो भाग में बट गई। बताया जा रहा है कि कार के पांच लोग सवार थे, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत जगमल के से जहरी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गांव की दो विधवा महिलाओं ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घर को वन कर्मियों द्वारा जेसीबी मशीन से गिराने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। समस्या है कि हमारे आवास के घर आई है, आज हमका 40 साल भे बस है, कोई नहीं बोला, न डिप्टी न मुंशी कोई नहीं बोला, या 40 साल से आज हमारा आवास के घर आई है, न हमका नोटिस मिली, न कुछ मिली, न सोचना मिला। आप आए ऐसे उस सट्टा आए और हम घर गिरा के चले गए। ये लगभग 35-40 साल हो गए हैं काबिज, और ये पीएम आवास की योजना के तहत इनका घर चल रहा था। तो पीएम आवास के तहत बनाए हुए स्वीकृत मकान को तो गवर्नमेंट भी नहीं गिरा सकता, तो ये लोग नहीं गिरा सकती है, कैसे गिरा दिए इस संबंध में क्या जानकारी? ये जबरदस्ती किए हो गए शायद, किसी को सूचना नहीं दी, किसी को पता, कोई घर में नहीं था, आके गिरा दिए। खबर पन्ना से है, जहां देश भर में कोरोना महामारी के चलते जब लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार द्वारा आह्वान किया गया था, तब कोरोना काल के तहत ऊषा आशा कार्यकर्ता गांव शहर नगर में गली गली घूमकर कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित कर दिन रात एक कर रही थी। कोरोना संक्रमण की जैसे ही रफ्तार धीमी की, पन्ना में ऊषा आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल जारी कर दी। अशोकनगर जिले के सिंघाखेड़ी के दो दर्जन के करीब किसान प्रशासनिक अधिकारियों से राशन न मिलने की शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार रोहित रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि उन्हें 3 महीने से राशन दुकान से खाद्यान्न नहीं दिया गया है। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी SS चौहान भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक बंटी रघुवंशी ने गांव के लोगों से कोरोना कर्फ्यू का हवाला देकर अंगूठा लगवाने के साथ साइन भी करवा लिए, लेकिन 3 महीने से राशन नहीं दिया गया। खबर उज्जैन से है, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए अपील की है कि जो लोग इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहे, उन लोगों का उज्जैन के चरक अस्पताल और जिला चिकित्सालय में निशुल्क इलाज किया जाएगा। निशुल्क इलाज में मरीज का ऑपरेशन और महंगे इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्लैक फंगस के बीमार है जो उपचार के लिए कोई प्राइवेट स्थान पे जाते हैं, यहाँ तक कि RD गाड़ी में भी जो भर्ती होते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि उनको अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो फ्री में अगर इंजेक्शन चाहते हैं, तो उनका स्थान हमने चरक हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में किया हुआ है, यहीं वो ऑपरेशन कराएं, यहीं एडमिट रहे, ताकि ये जो उन पर लोड पड़ता है, शासन उसके बारे में चिंतित है और हमने उसकी व्यवस्था कराई है। तो एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि कम से कम वो सारे लोग जिनको आर्थिक रूप से कोई कठिनाई है, वो प्राइवेट स्थान पर जाने के बजाय यहाँ आए, और जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो प्राइवेट में इलाज कराए, कोई आपत्ति नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दतिया से है, जहां शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश बिहारी कुरेले ने शहर में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया गया। बता दें कि सीएमएचओ द्वारा क्लिनिक के दस्तावेज मांगे गए और दस्तावेज न मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। वहीं स्टार पलोथेन संचालक के मौके पर मौजूद न होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की चेतावनी भी दी है। खबर अशोकनगर के ईसागढ़ क्षेत्र के बमनावर से है, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि आमजन की सुरक्षा का कार्य करने वाली पुलिस विभाग को अब वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा गांव-गांव में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में भी समझाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव है, घबराइए मत, आप दवाइयाँ खाइए और 15 दिन के लिए आप घर पर रहिए। का पिता वो तो बच गया, लेकिन जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी आखिरकार उसको मरना। इकट्ठे हुए एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत बच्चों ने एक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें बताया कि वैक्सीन लगाने से बच जाते हैं, तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने पूरे गाँव को जागरूक किया है कि सब लोग वैक्सीन जरूर लें। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान हम चाहते हैं कि लगातार बढ़े और हर प्रत्येक घर में सब वैक्सीन लगाएं और कोरोना महामारी से बचें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विदिशा रोड स्थित वाटर बॉक्स पार्टी की टंकी के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और भाजपा के प्रदेश और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपति उड़ानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन व्यापारियों को कालाबाजारी करते हुए सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा रही है, बल्कि इस कोरोना महामारी के दौरान जो देश की जनता आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, उसके लिए दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। खबर औरंगाबाद से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस होशंगाबाद ने स्थानीय बस स्टैंड के पास फौजदार पेट्रोल पंप पर अनूठे तरीके से आईना दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश की जनता विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज युवा कांग्रेस और समस्त कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाओ प्रदर्शन किया है। तो मैं उनको ये आईना दिखाकर याद दिलाना चाहता हूँ कि आज पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, शतक का आंकड़ा लगा चुकी है। केंद्र सरकार और जनता एक तरफ कोरोना की महामारी से जूझ रही है, आर्थिक संकट उस पर उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। भीमगढ़ डैम में के डूब क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के तुगलकी फरमान के चलते किसान को इतना सदमा लगा कि वह चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मौके पर उपस्थित परिजन तत्काल उसे छपारा अस्पताल ले गए। वहीं किसान की हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती किसान का इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन पूर्वजनों की थी, वो निकली थी तो हमने करे थे, तो वो जमीन शर्मा साहब और एसडीओ साहब और कॉलोनी पुलिस वाले गए थे, उन्होंने सबने आने दूसरे काटने की इजाजत दे दी। तो इनको बोए आपने? हाँ, हमने बोए, हमने सब कुछ करे, खाद बीज सब डाले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।